हम कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आए, ना कभी वोट देंगे ना कभी कोई देगा। देखिए ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उनको मुस्लिम साइक जहालत की मालूम है, साबित कर दें कहीं से मुसलमान एमपी जिता सकते हैं पूरे इंडिया में एक। हमें उनकी लैंग्वेज पसंद नहीं क्योंकि वो अपोजिट में वही लैंग्वेज बोलते हैं जो पोलराइज करने के लिए दूसरी पार्टी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आए, ना कभी वोट देंगे ना कभी कोई देगा। ओवैसी साहब जैसे भाषणों में अपने कहते हैं, ओवैसी साहब ने भाषणों में कहते हैं कि आप लोगों ने सबको वोट दिया मुसलमानों ने यूपी के, पर आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ऐसा नेता चुनिए जो कम से कम आपका आवाज उठाए। देखिए ओवैसी साहब जो कह रहे हैं उनको मुस्लिम साइक जहालत की मालूम है, ठीक है, साबित कर दें कहीं से मुसलमान एमपी जिता सकते हैं पूरे इंडिया में एक। अरे वो तो वो जीते हैं, वो अपनी उनकी आज की नहीं बहुत पुरानी, बहुत एक वो जीजा करते थे कांग्रेस के नागर हवेली कहाँ से दीवदमन से, वो भी तो हर गई। हम ये सर नॉर्थ इंडिया की बताइए कि मेन जो ये मुद्दे चलते हैं नॉर्थ इंडिया में चलते हैं भाई, केरला तमिलनाडु और साउथ में नहीं है मुद्दे। ये जो रिलीजियस मुद्दे हैं वो मेन उठते बिहार यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान, ये इफेक्ट यहाँ करते हैं। आप कहेंगे एक ही वोट एक भी सीट बताओ जो जीत सकते हो, वो कहेंगे 7-2 जीत जाएंगे। हमें बता दो समीकरण बता दो भाई मुसलमान क्योंकि वो जीत नहीं सकते इसलिए नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे फिर वोट खराब हो, मतलब वोट अननेसेसरी बेकार होगा। नहीं हमें उनकी लैंग्वेज पसंद नहीं क्योंकि वो अपोजिट में वही लैंग्वेज बोलते हैं जो पोलराइज करने के लिए दूसरी पार्टी बोलती है। बहुत पसंद आती है पर पहले समझ लीजिए मसला यहाँ पे जहालत, पहले समझिए वो ऐसी जो है। आप आज अभी मैं आपके चैनल के ऊपर मैं योगी जी को कुछ बुरा कह दूँ कल मेरे घर पुलिस आ जाएगी, 100% आएगी। लेकिन वो ऐसी जिस तरह से खड़े हो गए, कभी उस शख्स ने हमारे प्रधानमंत्री का नाम तो ठीक से लिया नहीं, वो कभी मोदी नहीं कहता, वो कहता मोदी कहता है, समझे। ऐसा नहीं कि उनकी ज़बान ख़राब है, अगर ज़बान ख़राब है तो बहुत से लफ्ज़ गलत बोलने चाहिए, लेकिन जब वो हमारे प्रधानमंत्री का नाम तक तो सही लेता नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इसका इट मीन्स के ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, आप समझ रहे हैं, उनकी बी टीम है। आप लगातार कहते हैं मैं बी टीम नहीं हूँ। एक बात बताइए कि एक जो वो सिद्दीकी साउथ से आ रहा था प्रेस रिपोर्टर, वो आज तक बंद है? वो तो रास्ते में पकड़ लिया गया, आज मेरे ख्याल 1 साल हो गया, ठीक है। अभी कोई कुछ बोल दे घर खोद दिया जाए, बुलडोजर चल जाए, ईडी आ जाए, वो इसी खिलाफ क्यों नहीं होता? उनकी भी 10,000 करोड़ की एम्पायर होगी तकरीबन मेरे ख्याल से, मैं मतलब ये ऑफिशियल नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए की तो होगी एम्पायर उनके खिलाफ। ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सेल्स टैक्स, ना वेल्थ टैक्स, कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता? और जितनी गालियां देते हैं वो बीजेपी को, उससे ज़्यादा कोई देता नहीं होगा मुसलमान भाई। ऐसा है कि मेले मुझे भी वो, अगर मैं भी जाहिर होता मुझे बहुत अच्छा लगता। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं मिला होता है? अगर वो कहते हैं मैं बीजेपी से मिला होता तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें फिर क्यों नहीं लड़ता? वो बोला इसलिए नहीं लड़ा कि सपा बसपा साथ है। मसला ये समझिए, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूँ, इन्होंने आपके क्या रहे शीरा कौल ने लखनऊ में इलेक्शन लड़ा, लखनऊ से मेरे ख्याल ये 74 या 76 की बात है, और क्योंकि हमारे दादी के जुलूस रुके हुए थे तो हम लोगों ने एक नारा दिया था, हमारे लीडर ने मौलाना कलवे आबिद साहब, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं। उस वक्त मीडिया ने ये सवाल उठाया था कि 3 लाख वोट कहाँ जाएंगे, हाँ सी ओ उस वक्त 3 लाख थे, 3 लाख ही वोट कहाँ जाएंगे, तो यहाँ का पूरा इलेक्शन का समीकरण ही बिगड़ गया। संजय गांधी जिंदा थे, संजय गांधी ने लखनऊ का डेलीगेशन बुलाया यानी शियों का, यहाँ से हमारे बहुत से शिया उलमा बहुत से लीडर गए, इनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें कुछ जिंदा हैं कुछ मर चुके हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि अगर आप शीला कौल को जिता दीजिए तो हम आपकी आज़ादारी की जुलूस खुलवा देंगे, तो उसने हमें लिख के दिया था, उसने संजय गांधी ने हमें लिख के दिया था कि हम जुलूस उठवा देंगे। और शियों ने यहाँ के इलेक्शन 6.5 लाख वोट से जीती थी शीला कौल, जब 6.5 लाख वोट से तुम जीती हो तो उसमें 3 लाख के वोट तो हमारे ही हो गए, क्योंकि जिन लोगों ने वोट कभी ज़िंदगी में नहीं दिया तो उन्होंने भी जाके दिया। तो हमारी औकात ये है कि हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं लखनऊ में। तो इस बार क्या करने वाले हैं, किसको हराने और किसको जिताने के लिए? देखिए ये तो वक्त बताएगा,